जय भोले शंकर जी की। सभी को सादर नमन। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना कि कोई पीठ के पीछे आपकी जब तारीफ करता है, दिल बड़ा खुश होता है और खून तो भाई उस समय उबाले मारता है जब कोई तारीफ करे राजपूताना की, वो भी पीठ के पीछे। दोस्तों हम शौक से हुकुम्स क्लोदिंग्स में वॉरियर डिजाइन टी शर्ट्स, हाई क्वालिटी की टी शर्ट्स हम बनाते हैं। उस वक्त हमें याद है कि दुबई से भाई आए हुए थे मिलने। अक्सर दूर दूर से भाई आते हैं, काफ़ी ज़रा प्यार देते हैं दोस्तों, अच्छा लगता है। इसी प्यार से हम टी शर्ट्स बनाते हैं। 5.5 साल हो चुके हैं भाइयों का प्यार मिलता रहता है, मिलता रहता, हम बनाते रहते हैं। दुबई से भाई आए हुए थे, वो दोस्तों 6-7 टी शर्ट्स लेके दुबई चले गए। ये घटना दुबई ही घटी है और सुनने के बाद दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि पीठ के पीछे भी लोग तारीफ करते हैं नॉन राजपूत। और क्यों करते हैं आज आपको बताते हैं क्यों करते हैं। जब वो 7 टी शर्ट्स भाई डिलीवर कर रहे थे, ऑब्वियसली दोस्तों राजपूताना वॉरियर टी शर्ट्स है तो राजपूत ही ज़्यादातर लेते हैं। एक टी शर्ट्स कोई दूसरा भाई लेके भाग गया। दोस्तों उसको टी शर्ट इतनी पसंद आई कि वो लेके भाग गया। आज हम बात टी शर्ट की नहीं कर रहे, कुछ असूल की बात कर रहे हैं, एक जबरदस्त बात कर रहे हैं। दोस्तों आप बने रहिए, बहुत जोरदार मोटिवेशन आएगी आप में। जब वो टी शर्ट लेके दौड़ गया, जो भाई लेके गया था हमसे, उसने बताया कि भाई जब हमने उससे पूछा कि भाई तू क्या करेगा ये टी शर्ट, ये तो राजपूतों वाली टी शर्ट है और मैक्सिमम राजपूत ही पहनते हैं, उसने क्या जवाब दिया आप हैरान हो जाएंगे। उसने जवाब क्या दिया, बड़े ही प्यार से उसने कहा कि भाई सुनो, मैं अपने घर में अपने प्रांत में सुबह जाता था, शाम को आता था, मैं मजदूरी करता था। उम्र अभी हमारी छोटी है पर उस समय 3-3.5 साल पुरानी बात है। हमारे पास बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चलता था। हमारा घर में माता जी है और हमारा कोई नहीं है। एक बार जब मैं एक किसी ठाकुर साहब के घर में, दोस्तों पंजाब के पास दीनानगर प्रांत है एक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में, वहाँ की घटना है ये। अगर ठाकुर साहब, हम नाम तो नहीं ले सकते, भाई ने मना किया है, पर दोस्तों ठाकुर साहब की जो ये दिलेरी है आज, वो दिलेरी हमें मजबूर कर रही है कि हम जरूर उनकी गाथा आपको सुनाएं। जब लड़का ठाकुर साहब के वहाँ पे मजदूरी करता था, अचानक ठाकुर साहब ने पूछ लिया कि भाई क्या करते हो, पढ़ते हो? लड़के ने कहा नहीं जी, मैंने +2 कर लिया है, इंटर पास कर लिया है। तो ठाकुर साहब ने पूछा भी उम्र तुम्हारी छोटी है, तुम ये मजदूरी क्यों करते हो, क्या बात हो गई? लड़के ने कहा कि जी घर में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है, पिताजी नहीं है, अकेली माता जी है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे है, मैं इसलिए करता हूँ। ठाकुर साहब ने बंदे का 1-2 दिन काम देखा, काम देख के पूछा कि जी +2 पूरी क्लियर है? लड़के ने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। ठाकुर साहब ने कुवैत फ़ोन किया, बात की, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पे बढ़िया सेट था, उन्होंने उस लड़के को सीधा अपने खर्चे पे, दोस्तों अपने खर्चे पे भेज दिया कुवैत, और वहाँ पे नौकरी जो जॉब होती है जॉब भी लगा दी और जॉब भी अच्छी लगा दी। तो जब दुबई वालों को उस लड़के ने ये बातें बताई तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा सुन के उनको बड़ा ही अच्छा लगा कि जी हमारे कोई ठाकुर साहब ऐसे हैं और कोई दूसरा बंदा इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है
और बंदे ने कहा, दोस्तों उस मजदूर जो लड़का था उसने दुबई वाले भाइयों को बताया, इसलिए मेरे दिल में राजपूताना के लिए बहुत जगह है, राजपूतों के लिए बहुत जगह है, बहुत बड़ा दिल होता है राजपूतों का, बहुत बड़ा जिगरा होता है राजपूतों का। जब ये बात दुबई वालों को बताई, कहते भाई रख ले टी शर्ट, रख ले, कोई बात नहीं, हम होर ले लेंगे भाई से। दोस्तों अगर आप भी कभी ऐसा आपके पास मौका आए, किसी भाई की सेवा करने का मौका आए तो जरूर करिए, क्योंकि ये कीर्ति होती है ना, ये यशगान होता है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है, और ये यशगान कभी छोटा नहीं होता। किसी की मदद करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, किसी को 1000 रुपये की ज़रूरत है, आप ज़रूर दें, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और उसका बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी पंजाब के उस दिलदार ठाकुर साहब की घटना। जितना हो सके शेयर जरूर करिए दोस्तों, इसमें मोरल है कि हर भाई की मदद जरूर करनी चाहिए। हर हर महादेव।